तो ये मुजम्मिल भाई पानी भर रहे हैं। मुजम्मिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये बन रही है हमारी चाय। जो हम दोनों मिलके बना रहे हैं ये वगैरह भाई। आए हाय कैमे वाट दे रहे हैं। लोहरी चाय, लोहरी चाय। कौन सी चाय है भाई? लोहरी चाय। लोहरी चाय है ये? लैयावाल। लैयावालों की लोहरी। ये तो वैसे गलत बात है कि लैयावालों की लोहरी चाय भाई। लैयावाल चाय। लैयावाल चाय। लैयावालों की चाय है भाई ये। ये चाय रेडी है। रात के 2 का टाइम है और सुबह हमने यहाँ से इस्लामाबाद से निकलना है। हमने कश्मीर के लिए निकलना है सुबह। हमने 4 बजे या 4:30 बजे यहाँ से इंशाल्लाह निकल जाएंगे हम। तो दोस्तों 2 बज गए, मुझे नहीं लगता कि हम सो सकेंगे। कैसे बनी है? बेहतरीन बनी है। चले अब ये ना खालस चाय ये देख लो, काफी ज्यादा खुश्क हो गई है। ये ना हो एक कप बचे तो आप इसे पकड़ो थोड़ी। तो जी दोस्तों मोहब्बत ऐड की हुई, इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट चाय है। बहुत इम्पोर्टेंट चाय है, स्पेशली लंदन के कारीगर आया बनाने के लिए। हमारे साथ जो आया हुआ है लैया वाला है भाई। इतने पंप ना छोड़ो। बेसिकली इनका लैया में ढाबा है, चाय का चाय का ढाबा है मेरा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर है चाय के मामले में पेश करने। तो ये देखें दोस्तों चाय तैयार हो गई हमारी, और दुल्हन जैसे अपने ससुराल वालों को चाय देने के लिए पेश करने के लिए जा रही होती है, ये इसी तरह हमारी शर्म भी आ रही है। ओए 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 दुपट्टा भी ला दो। दुपट्टा ला दो एक मिनट। वहां ओए ओए अल्लाह की कसम दुपट्टा मिल गया। एक मिनट यहीं पर रुको मुझे दुपट्टा भी देना। ये दुपट्टा लो और जैसे ससुराल वालों के सामने शर्मा के दिखाते हैं ना, वैसे शर्माना है आपने। चाय ले लो क्या ले लो प्यारे भाई, ये वहां पे जाके अपने आपने शर्माना है। दोस्तों देख रहे हो कितनी बड़ी फिल्म है मेरा दोस्त। तो ये हम आगे आ देखो फिल्म आ गई। किसके लिए लाई हो? ये देखो दोस्तों नबील भाई चाय लेना। ये देखो नहीं मैं अपने सिर्फ अपने हाथ से दूंगी अपने मिट्टू को। मेरा मिट्टू बाजी वो मिठू और वो तुम्हारा टॉमी। टॉमी को मैंने कुत्ता जन्म लेगा। दोस्तों ये देखो चाय आ गई है मेरी। यार तू मोल लेना एक कप दो भाई पीछे चलेगी भी चलेगी गुंडा कर दी चलेगी। अल्लाह हाफिज। तो जी दोस्तों ये सुबह का टाइम है और हमारी जो है ना तकरीबन तैयारी कंप्लीट हो गई है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। कैसे उमर भाई? गुड मॉर्निंग भाई। तो ये सामान वगैरह हम गाड़ियों में जो है ना शिफ्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये जो है ना हमारी गाड़ी का टायर जो आ गया पंचर, तो ये नहीं जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर से लेके जाए। तो ये हुआ है ये मुजम्मिल भाई की जादुई बांसुरी की वजह से। दिखाइए बांसुरी कैसे? वो आपको दी थी मैंने। तो ये सीन है भाई। तो ये इस जगह पे हमने स्टे किया था और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो बांसुरी बताएं बांसुरी कहाँ पे है भाई? बांसुरी मैं कसम उठा के कहता हूँ मुझे नहीं पता। आपने वहाँ पे मुझे मैंने हुरैरा को बांसुरी दी थी और ये अब जो है ना आप हुरैरा से पूछे बांसुरी किधर है बताना है आपने। हुरैरा बांसुरी किधर है? तो यार है ये देखो भाई सामान कितना लोडेड है गाड़ियों में। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, तो इंशाल्लाह रास्ते में आपसे मिलते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा। तेरा मुंह इतना बड़ा है उस्ताद जी, आंदा ही नहीं मैच पूरा। बाय बाय, इंशाल्लाह मिलेंगे कश्मीर, इंशाल्लाह वहां के नजारे दिखाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाशदाएक। तो दोस्तों ये निकल पड़े हैं हम इस्लामाबाद से अपने सफर की तरफ, रवा दवा है, तो अल्लाह ताला खैर आफियत से लेके जाए हमें इंशाल्लाह। सारे बोलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये हम निकले हुए हैं यहाँ से, से होंगे ये हम मरी पहुंचने वाले हैं। तो हम मरी से होते हुए आगे मुजफ्फराबाद जाएंगे और फिर उधर से आगे आजाद कश्मीर जाएंगे। तो दोस्तों व्यू चेक करें आप, ये बादल आ गए हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और ये मेरा प्यारा सा दोस्त मजे कर रहा है ये। मैं उठी उठी जावा देनाल। हुरैरा भाई अवाम आपकी फैन हो रही है, अवाम आपकी फैन हो रही है। डर भी लग रहा है भाई, ये साथ खाई है इधर और ये झूले लगे हुए। उड़ी उड़ी जावा। तो ये मेरा दोस्त जो है ना एंजॉय कर रहा है फुल टाइम। दोस्तों ये देखें, ये हम तकरीबन मरी पहुंच चुके हैं। आपको बादलों पे क्या नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं। नहीं भाई, बादलों पे पहाड़ नजर नहीं आ रहे, क्या नजर आ रहे हैं? दरख्तों पे रोड नजर आ रहे हैं, दरख्तों पे रोड। हाँ यार, वैसे कहा जा सकता है दरख्तों पे रोड नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम, स्टे करना चाहिए, रुके हर पॉइंट पे, रुके जहाँ पे दिल करे जी। दोस्तों तो ये हम बस तकरीबन मरी पहुंच गए हैं और ये जो मेरा दोस्त है ना, ये कोई ना कोई ड्रामा करता रहता है। पे हमने थोड़ी देर के लिए स्टे किया, तो मौसम चेक करें आप, ये बादल और ये हमारा टैटू दोस्त है जी। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि ये बारिश आ रही है और हम गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, तो ये भी आ गए। ये गीला होके आया, लिबड़ के आया, लिबड़ के आया। ये देखें दोस्तों, ये फुल टाइम बारिश हो रही है, आपको दिखाता हूँ। और ये हम वहीं पे मरी में ही रुके हुए हैं, ये देखें फुल ठंडी बारिश। ये देखें नीचे, ये बारिश हो रही है दोस्तों फुल टाइम। तो ये बैठा हूँ मैं अपने प्यारे भाई अबू हुरैरा के साथ। अरशान भाई, हम आपकी खिदमत के इंतहाई मशहूर हैं सर, शुक्रिया। आपने वीडियो में हमें लिया, सर शुक्रिया। में आपने लिया सर, फक्की वाली बात याद है ना आपको, आपने भाई कश्मीर को हमारा मिशन कश्मीर में सही है, फक्की बेचनी है भाई ने जाके। अगर हम फक्की यहाँ बेचेंगे तो नाइट स्टे यहाँ करना पड़ेगा। हाँ नहीं, वहाँ पे जाके फक्की बेचनी है, पहले लेट हो गया वहाँ, मेरे लोगों को ज्यादा खराब होते हैं सेल इन्फॉर्मेशन। ये भाई को गाड़ी में बैठ के सुकून नहीं आ रहा, बैठा इधर है, कोई नहीं देखने दे आप, उतर देना। यहाँ पे भी बैठ के ब्रश कर रहा है। दोस्तों व्यू देखें आप, जिस व्यू पे हमने रोकी है गाड़ी, थोड़ा सा व्यू दिखाना है आपको, ये व्यू देखें। और बस अब हम जो है ना निकल रहे हैं आगे, तो ये देखें आप, ये उमर बैठा हुआ, आ जाओ उमर यार जी। दोस्तों तो आपको बहुत ही पुराना और तारीखी पुल दिखा रहा हूँ, जो के भट्टों से बना हुआ है लकड़ी के, और ये इसकी जो स्पोर्ट है बस यही है, ये ऊपर से ऐसे स्पोर्ट दी हुई है, यहाँ पे ये लोहे वाले गार्डर लगे हुए हैं इसके, और ये नीचे जो है दरियाए नीलम है, अल मशहूर दरियाए नीलम। तो ये अब हम चढ़ रहे हैं इस पुल के ऊपर, और ये देखें, ये देखो, ये हम आज़ाद कश्मीर में हैं इस टाइम। तो ये पुल है, ये देखें इस टाइम पुल के ऊपर हूँ, इधर उधर साइडों पे कोई भी स्पोर्ट नहीं है ऐसे। तो ये सारे बॉयज़ खड़े हुए हैं हमारे यहाँ पे, अभी एक आदमी पीछे खड़ा हुआ था, वो कह रहा था कि इसके ऊपर चलना ख़तरनाक है, एक जगह पे ना रुको, फटे टूटे हुए हैं। लेकिन स्पीड बहुत है, स्पीड बहुत। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये रहे हम भाई, वो बच्चा पीछे बंदा कहता पिया सी भाई रुको ना एक जगह, जो उत्ते फटे इन्हें टूटे हुए ने ते कमजोर आए ना एक जगह ते ना रुको, है ना भाई। वो पीछे आदमी कह रहा था कि एक जगह पे ना रुको, फटे कमजोर है। ओए कुछ नहीं होता, पागल था। आप ऐसा करो ना मेरे साथ दरमियान में, जहाँ प्रोटेक्शन नहीं है। उधर तो जो चीज दिखानी थी आपको, ये देखें, ये हिल रही है सारी पुल ना,
कोई चलता है तो हिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पानी देखें कितना ज़्यादा बहाव है इसका, और ये देखें अल्लाह ताला की कुदरत देखें, खूबसूरती देखें आप, कि ये पहाड़ों के बीच में से ये सारे पहाड़ हैं, इन गिर्द और सेंटर में से दरियाए नीलम बह रहे हैं। और इसकी स्पीड जो है ना, वो यहाँ नीचे पानी है इतना नीचे, और हमें ऊपर तक इसकी आवाज़ और इसका शोर सुनाई दे रहा है। तो देखें दोस्तों, सिर्फ ये स्पॉट है, और ये बहुत कदीम और बहुत पुरानी पुल है, बहुत ज़्यादा कदीम पुल है ये। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ कि कैसा माहौल। अब ये देखें, अब ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, तो जो एक अननोन पर्सन है उसे पता नहीं चलेगा इस जगह का, तो यहाँ से गिरने के चांसेस हैं। और काफ़ी सारे जो फट्टे हैं इसके, तो इन फट्टों के जो है ना कील उखड़े हुए हैं, तो ख़तरनाक है वैसे ये पुल, काफ़ी इधर आना नहीं चाहिए था। बाकी अल्लाह ताला सबको अपने विज़ोमान में रखें।